सतना जिले के कोठी कस्बे में बने गेहूं खरीदी केंद्र में रसूखदार व्यापारियों और उनके साथियों ने मिलकर किसानों के साथ जमकर मारपीट की। इस घटना में करीब आधा दर्जन किसान घायल हुए हैं। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर सभी घायल किसानों को अस्पताल भिजवाया। पुलिस मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश कर रही है। मध्य प्रदेश के सतना जिले में इन दिनों गेहूं खरीदी केंद्र में लगातार लापरवाही सामने आ रही है। कोठी तहसील में बने गेहूं खरीदी केंद्र में किसानों के साथ व्यापारियों और उनके गुंडों ने मिलकर जमकर मारपीट की और किसानों को लहूलुहान कर दिया। दरअसल कोठी तहसील में बने खरीदी केंद्र में विगत कई दिनों से किसान गेहूं बेचने के लिए बैठे हैं, लेकिन खरीदी केंद्र संचालक की मनमानी के चलते रसूखदार व्यापारियों का गेहूं तौला लिया जाता है। वहीं दूसरी ओर गरीब किसान अपना गेहूं तौलाने के लिए कई कई दिनों इंतजार करते हैं। आज जब किसानों ने गेहूं तौल कराने की बात कही तो व्यापारियों के बीच कहासुनी हो गई। इसी बीच व्यापारियों और उनके साथ मौजूद गुंडों ने किसानों पर हमला बोल दिया और किसानों को लहूलुहान कर दिया। इस घटना में करीब आधा दर्जन किसान घायल हो गए। आनन फानन में घायल किसानों को उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया। घटना की सूचना मिलते ही प्रशासनिक अधिकारी और कोठी पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला पंजीकृत कर गुंडागर्दी करने वाले व्यापारियों को उनके गुर्रों की तलाश शुरू कर दी है। ए फरिया के राकेश के पल्लेदार। हाँ। राकेश कौन है? राकेश फरिया जान बनिया है। व्यापारी है? व्यापारी है। हम लोग मना किए हैं। क्या मना किए हैं? मना किए हैं कि बनियान का माल अभी नहीं तौला जाएगा, किसानों को तौल जाए। हाँ, किसानों को तौल जाए, किसान भाई सब का हुआ। अभी प्रारंभिक तौर पर हमने निरीक्षण किया है तो ये सामने आया है कि एक राकेश गुप्ता नामक व्यक्ति द्वारा कुछ किसानों के साथ मारपीट करवाई गई है और हमने TI साहब को बोला है इस संबंध में कि FIR की जाए और उनकी गिरफ्तारी की जाए। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।